नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भाई। प्रकृति की दृष्टि से कोरोना वायरस काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। एयर पॉल्यूशन अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद जैसे तमाम शहरों के लोगों को लंबे समय बाद या कहें कि सदियों बाद साफ हवा नसीब हुई है। ध्वनि प्रदूषण लगभग समाप्त हो चुका है। गंगा और यमुना जैसी नदियों के तमाम वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। इन वीडियो के माध्यम से ये दावा किया जा रहा है कि नदियों का जल साफ दिखने लगा है। यमुना जो दिल्ली में पहुंचते ही गंदे नाले के रूप में बदल जाती थी, उसका जल भी साफ हो चुका है। गंगा नदी चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या बनारस या देश का कोई अन्य स्थान जहां से गंगा नदी बहती है, जल काफी साफ हो चुका है। इस बात की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है और लोग इसकी काफी तारीफ भी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का ये तक दावा है कि गंगा नदी का जल आचमन और नहाने दोनों के योग्य हो चुका है, जो पहले बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट बताती है कि ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के क्षेत्र में गंगा नदी के पानी में फीकल कॉलीफॉर्म यानी मानव मल की मात्रा 47% तक कम हुई है। वहीं ऋषिकेश से आगे यानी बैराज से आगे की तरफ 46% मानव मल में कमी आई है। हरिद्वार के बिंदु घाट के पास मानव मल 25% और हर की पैड़ी क्षेत्र में, जो कि गंगा की आस्था के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र की मान्यता है, वहां मानव मल 34% तक कम हो चुका है। इस रिपोर्ट में यह तक दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान हर की पैड़ी पर गंगा का पानी क्लास ए में रखा गया है, यानी क्लास ए का मतलब उस पानी को ट्रीट किए बिना सिर्फ क्लोरोनेशन करके ही पिया जा सकता है। रिपोर्ट यह भी दावा करती है कि गंगा के पानी में बीओडी लेवल 20% तक कम हुआ है। ऐसे में गंगा नदी का जल नहाने और आचमन दोनों के लायक हो चुका है। गंगा नदी का जल फिलहाल इतना साफ है कि जलीय जीवों के लिए काफी अच्छा है। इससे जलीय जीवों को, जिसमें मछली, कछुए और तमाम प्रकार के जलीय वनस्पतियां होती है, उन्हें पनपने में काफी सहायता मिलेगी। लेकिन देखना यह होगा कि लॉकडाउन हटने के बाद क्या सरकार और जनता गंगा की इस निर्मलता को बनाए रख पाती है, और ये भी देखने लायक होगा कि सरकार किस प्रकार की योजनाओं से गंगा की स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाती है। साथ ही जनता को भी ये समझना होगा कि गंगा के अस्तित्व से ही उनका अस्तित्व है, इसलिए गंगा में कचरा ना फेंके, गंगा को उसी काम के लिए रहने दें जिस काम के लिए भगीरथ आज से हजारों साल पहले गंगा को धरती पर उतार कर लाए थे। धन्यवाद।